नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5, 6, 7 और 8 दिसंबर का दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं हमारी सातवीं राशि लिब्रा यानी तुला राशि। 5 दिसंबर का दिन आपके लिए एक अलग भूमिका लेकर के आएगा। इस दिन परिवार में बहुत ही असंतोष के बीच भी आप सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, परिवार में जो असंतोष होगा उसकी वजह आप नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़े जरूर होंगे और उम्मीद की जा रही होगी कि आप इस पर कोई डिसीजन दे दें या किसी प्रकार की ओपिनियन दे दें। बिल्कुल ऐसे ही आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। अगर कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में या परिवार से जुड़े मामलों में कोई निर्णय लेने वाला मामला आता है तो सत्य के साथ जाएं और जो सही है उसका ही पक्ष लें, भले ही आपका लाभ ना हो रहा हो। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए 5 दिसंबर को कोई काम मत करिएगा। 5 दिसंबर के दिन ज़्यादा रूढ़ होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी किसी बात को भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए हर चीज़ पर और आप देखेंगे कि सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है। 6 दिसंबर को बड़ा ही उत्सव का माहौल रहेगा आपके घर में, या किसी उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी विवाह योग्य उम्र हो गई है तो आपके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, अथवा आपको अपने जीवन साथी से रूबरू होना पड़ सकता है, यानी कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं जहां पर आप मिल लें उस व्यक्ति से जो भविष्य में आपका जीवन साथी होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति या अपनी पत्नी के साथ आपका समय, आपका दिन 6 दिसंबर बड़ा ही अच्छा, मनोरंजक और रोमांचक बीतेगा। 6 दिसंबर के दिन आप एक प्रकार के सेलिब्रेशन के मूड में भी रहेंगे और परिवार के लिए कुछ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। व्यापार और ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। आप उन जगहों पर सम्मान के पात्र होंगे जहां प्रायः आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। 7 दिसंबर के दिन किसी छोटी सी यात्रा पर जा सकते हैं, अथवा आपकी किसी समस्या के समापन की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा और उन स्टेप्स के बाद आगे के स्टेप्स अपने आप कैरी होते जाएंगे। 7 दिसंबर के दिन अगर समाज में आप अपने मान को बढ़ाना चाहते थे तो आपका सम्मान और मान अपने आप स्वतः ही बढ़ना शुरू होगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान इतना देना है कि और ज़्यादा अपमान या आपके जो वर्तमान पोजीशन है ये गिरने ना पावे। 8 दिसंबर को आपकी कोई पुरानी महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो जाएगी जिसकी आप खुशियां मनाएंगे, अथवा जिस योजना के पूरे होने के बाद आप थोड़ा सा अपने अंदर एक रिलैक्सेशन फील करेंगे। 8 दिसंबर को आप देखेंगे कि आपकी योजना के पूरे होने के बाद का समय शुरू हो गया है और इस समय आप एक लैक खालीपन फील करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन वहीं आप ये भी देखेंगे कि आप उन चीज़ों को समझ गए हैं जिन चीज़ों को पहले आप नज़रअंदाज कर दिया करते थे। अपने जीवन से जुड़े मामलों पर आपकी पकड़ और ज़्यादा बन जाएगी 8 दिसंबर को और आप अपने जीवन से जुड़े गंभीर निर्णय स्वयं ही लेने का एक प्रकार से कहें तो काबिलियत पा जाएंगी। प्रेम संबंधों के लिए 4 दिन अच्छे हैं। व्यापार के लिए भी 4 के 4 दिन बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 5, 6, 7 और 8 दिसंबर के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।